पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। से पहचान पाना मुश्किल है, चेहरा बुरी तरह से बिगाड़ा गया। वो आत्मा कुछ अपराध की कहानियां इतना शोर मचाती हैं कि उसकी गूंज हर गली तक पहुंच जाती है, लेकिन जब ये अपराधी आपके बेहद करीब होता है तो अक्सर ये कहानियां कहीं अंधेरे में खो जाती हैं। अरे ओ आसमा, इधर आ। अकेली कहाँ घूम रही है तू? कहीं नहीं मामी, स्कूल से घर जा रही थी। बहुत हो गया स्कूल वूल का नाटक। अपनी अम्मा से बोल उससे संभल नहीं रही तो तेरा निकाह करवा दे। मेरा शौहर भले ही उसका सगा भाई है, लेकिन अब हम लोग तुम दोनों का बोझ और नहीं उठा पाएंगे, समझी? अरे आसमा, बड़ी देर कर दी आने में। एक्स्ट्रा क्लास था क्या आज? अम्मा वो मामे मिली थी आज। उसने कुछ कहा क्या तुझसे? देख बेटा, वो शुरू से ही मुझे पसंद नहीं करती और इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तेरी मामा को मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि अपने परिवार को देख ले, लेकिन वो जबरदस्ती हमारी मदद करने की कोशिश करता है। तो मुमताज को तो बुरा लगेगा ही ना, तो उसकी बात का बुरा मत मान, ठीक है? चल तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। अम्मा, कोई भी रिश्तेदार हमें पसंद क्यों नहीं करता? मेरे बाबा के साथ जो हुआ ना, उसके बाद ये सब छोड़ तू। तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, हाँ, और कुछ ऐसा बन कि लोग हाथ उठाकर तुझे सलाम ठोके, समझी? अम्मा, तू सही कह रही है। देखना, मैं एक दिन पायलट जरूर बनूंगी और ऊपर वाला कोई ना कोई मसीहा जरूर भेजेगा हमारी मदद के लिए। मैडम, आपको साहब ने बुलाया है। फातिमा जी, पेपर तो आपके ठीक है, एक पर्सनल सवाल पूछूं आपसे? जी सर। आप तो ठीक ठाक जॉब कर रही थी, फिर अचानक इस फील्ड में। सर, बाबा की तबीयत की वजह से मैं शादी नहीं कर पाई। सोचा था कि एक बेटी को अडॉप्ट कर लूंगी, लेकिन अनमैरिड हूँ, इसीलिए अडॉप्शन में बहुत समस्या आई। उस वक्त सर, मैं जब ऑर्फनेजेस जाती थी तो मैंने देखा कि वो बच्चियाँ सिर्फ आज में जी रही हैं। हमारे देश में कई सारी ऐसी बच्चियां हैं जिन्हें नहीं पता कि उनका कल का भविष्य क्या है। और तो और सर, 10 से 15 साल की बच्चियां जो कि अपने माँ बाप के साथ रह रही हैं, पर उन्हें शिक्षा जैसी बेसिक ह्यूमन राइट नहीं मिल पा रही है। इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियों को सहारा मिल सके। मेरा शेल्टर होम, इन बच्चियों के लिए खाना पीना, इनका भविष्य, सब कुछ देगा। सोच तो आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें फंड की जरूरत पड़ेगी। सर, मैं कुछ गवर्नमेंट एड के लिए ट्राई कर रही हूँ, और सर ये उन लोगों की लिस्ट है जो अक्सर डोनेशन देते हैं। वेरी गुड। ये एक हफ्ते का प्रोसेस, और जल्दी आपको अप्रूवल भी मिल जाएगा। इस नेक काम में एक नेक काम हमसे भी हो जाएगा। अगर एक बच्ची का भी भला हुआ तो एक अच्छी शुरुआत हो जाएगी। आइए मैडम, आइए।
जैसे आपने बोला था ठीक वैसे ही बड़ा बंगला। ये देखिए, ये आपका हॉल है, ये टीवी, और ये आपका 3 सेट सोफा जहाँ आपके बच्चे बैठ के टीवी देखेंगे। ये मैडम बड़ा डाइनिंग टेबल। और सेफ्टी, क्योंकि यहाँ बच्चियाँ रहेंगी। हाँ मैडम, पूरी सेफ्टी है, डबल डोर है, सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम भी है मैडम, और CCTV तो हर जगह है, हॉल में भी है। वैसे मैडम आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? राब्ता, कनेक्शन, जुड़ाव, एक इमोशनल कनेक्शन। क्या यार, तुम मुझे यहाँ लेकर आ गई, वहाँ पे सब अच्छा खासा वॉलीबॉल खेल रहे थे, चल ना हम भी खेलते हैं। नहीं नहीं, मुझे नहीं खेलना। अरे पर क्यों नहीं खेलना? ये देख, मेरे शूज फटे हुए हैं। हाँ यार, ये तो बहुत फटा हुआ है। तुझे अजीब नहीं लगता क्या यार? पूरे स्कूल में शायद सबसे ज्यादा गरीब तू ही है। वो निशा मजाक उड़ाती है तेरा, कल ही तेरे इस थैले को लेकर कुछ तो कह रही थी। हाँ, मेरा स्कूल बैग ये थैला ही है। तुम सबके पास तो ब्रांडेड बैग्स है ना, लेकिन बुक्स तो सबकी सेम है। जिस चेयर और टेबल पे मैं बैठती हूँ उसी पे सब पढ़ते हैं, सबके टीचर्स भी सेम है। मेरी अम्मा चाहती है कि मैं अच्छे स्कूल में पढ़ूँ, अच्छी संगत में रहूँ, और इसलिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे पास ब्रांडेड बैग है या नहीं है, मुझे अच्छे से पढ़ाई करना है, और यहाँ के टीचर्स बेस्ट हैं। हाँ यार, बस वो एक खड़ूस मैडम को छोड़। हाँ, जरीना मैडम, वो तो मेरे पीछे ही पड़ी हुई हैं, पर मुझे कोई टेंशन नहीं है। देखना, एक दिन मैं एयरफोर्स पायलट बनूंगी और फिर जरीना मैडम ने मुझे सलाम ठोकेंगी। तेरी आसमान ना, देखना एक दिन आसमान छुएगी। कुरेशी, स्टैंड अप। तुम्हारे पापा को बोलना कि चेक में साइन गलत है, कल नया चेक लेकर ऑफिस आएंगे। ओके, सिट डाउन। आसमा खातून, क्या बहाना है अब? 2 महीने हो गए, बताओ। मैम, वो अम्मा, अम्मा की पगार नहीं हुई होगी, मामा ने पैसा नहीं दिया होगा। तुम्हारे बहाने की पूरी लिस्ट है मेरे पास, कम हियर। आज तू पूरे दिन कान पकड़कर क्लास के बाहर खड़ी रहेगी, समझी? गेट आउट, गेट आउट। अम्मा की पगार नहीं हुई होगी, मामा ने पैसा नहीं दिया होगा। तुम्हारे बहाने की पूरी लिस्ट है मेरे पास। अरे आसमा, आ गई बेटा, कैसा रहा स्कूल? अच्छा अच्छा था अम्मा। पढ़ाई की ना? हस्ती तो नहीं की? नहीं, सिर्फ पढ़ाई की, पूरा ध्यान लगा के पढ़ाई किया। और तेरी वो जरीना मैडम, उसने तंग तो नहीं किया तुझे? नहीं। अच्छा ये बता, खाने में क्या बना है? बहुत भूख लग रही है। बस 5 मिनट,
पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।